सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि क्यों अभी तक गैलेक्सी J7 प्रो के लिए एक नया अपडेट नहीं आया है। सो गाइस, इस फोन को आए हुए करीब करीब 8-9 महीने हो चुके हैं एंड गाइस, सैमसंग ने इस फोन के लिए केवल एक ही अपडेट अभी तक हमारे को दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच अपडेट था। तो गाइस, क्यों नहीं आया अपडेट इस फोन के लिए, उसके बारे में आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी जैसे रिसेंटली पता ही होगा कि J7 प्रो के लिए अपडेट जब आया था, तो आप लोगों ने सोचा यार ओरियो का अपडेट आ गया है और बहुत मजा आ गया। बट गाइस, वो ओरियो का अपडेट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच अपडेट था। तो गाइस, आपका जो सिक्योरिटी लेवल था वो दिसंबर का हो गया और पहले जो था शायद जुलाई का था। तो बस वो अपडेट होने के लिए वो अपडेट दिया था सैमसंग ने। बट आप लोग अब चाह रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी ओरियो का अपडेट मिल जाए या फिर नया एक बग फिक्सिंग अपडेट मिल जाए। शायद आपको कोई बग मिल रहा होगा, कोई ना कोई होता है गाइस। तो आप लोग चाह रहे थे आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिल सके, और कब तक मिल सके। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो सैमसंग है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सैमसंग है इस टाइम पे दे आर वर्किंग ऑन देयर सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड गाइज, जो S9 आएगा उसके बाद ही जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज होगा थोड़ा, और उसके बाद ही ऑप्टिमाइजेशन जो होगी सारे फोनों के लिए अनेबल करी जाएगी सैमसंग की तरफ से। तो गाइज, ये पूरा पूरा प्रोसीजर जो है पिछले लाइक कई सालों से यही चल रहा है। जब भी सैमसंग अपना बड़ा प्रीमियम डिवाइस लॉन्च करने जा रहा होता है, जो कि सबसे बड़ा ह्यूज लाइक सैमसंग का सेलर होता है, तो आपको जैसे पता है गैलेक्सी S9 एक सबसे बेहतरीन फोन है सैमसंग की तरफ से, जो कि वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है उनका। तो गाइज, अभी पूरा पूरा फोकस उनका उसी की तरफ है, गैलेक्सी S9 की तरफ, चाहे वो फिर एशियन मार्केट हो, चाहे फिर वो अमेरिकन मार्केट हो, चाहे फिर वो कहीं का भी हो, सारे के सारे बंदे इस टाइम S9 पर फोकस्ड हैं। बिकॉज गाइज, प्रोडक्शन में फोन इस टाइम आ चुका है, क्योंकि अनाउंसमेंट होगी MWC के अंदर, और उसके बाद हमारे को बड़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा अप्रैल या फिर लाइक मार्च के अंदर ही फोन 29 तक हमारे को सामने मिल जाएगा। तो गाइज, ये है पूरा की पूरी चीज़ें कि क्या चल रहा है इस टाइम और क्यों नहीं मिला आपको अपडेट। तो गाइज, अगर बात करूँ अपडेट की, तो गाइज ये है कि अपडेट जो आपको मिलेगा J7 प्रो के लिए वो ओरियो का अपडेट तो मिलेगा अगस्त या सितंबर के अंदर। बट गाइज, अभी जो एक और अपडेट आएगा इसके बीच में आपको वो एक मिलेगा, जिसके अंदर शायद सिक्योरिटी लेवल आपका इंक्रीज होगा और कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे जो बग फिक्सिंग होते हैं। तो गाइज, वो वाला जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही, लेकिन वो मिलेगा आपको अब मार्च या फिर अप्रैल के अंदर ही, क्योंकि अभी तो गैलेक्सी S9 आने वाला है और उसी के बाद जो है बाकी सारी चीज़ों पे सैमसंग जो ध्यान देगा। तो गाइज, अभी ये पूरी की पूरी बात यहाँ पे आके रुकती है कि सैमसंग जो अभी बिजी है अपने गैलेक्सी S9 के साथ, और जब S9 हो जाएगा उसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से लॉन्च और लाइक बढ़िया तरीके से एडवर्ट, उसी के बाद वो दूसरे फोनों पे ध्यान देंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों के मन में ये वाला सवाल था तो आज मैंने वो क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करें बिना बिल्कुल मजा आएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी के लिए टिल द टाइम, बाय गाइस।